नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कोरोना संकट के दौरान का मीडिया और उसके बाद का। निश्चित तौर पे देश में महामारी का चौतरफा असर है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इसकी मार से बचा हो। मज़दूरों की व्यथा को हमने टेलीविज़न चैनलों में देखा, अखबारों में पढ़ा, अर्थव्यवस्था में कितनी गिरावट हुई, कितने परिवर्तन हुए, क्या राजनीति हुई, ये सब चीज़ें हमने टेलीविज़न चैनलों और अखबारों के माध्यम से पढ़ा। लेकिन एक चीज़ जो हमने नहीं देखी, एक चीज़ जो हमने नहीं जानी और जो जाननी चाहिए, वो ये कि मीडिया में काम करने वाले लोगों की दिशा और दशा क्या है। सोचकर बहुत तकलीफ़ होती है कि दूसरों के दर्द को बयान करने वाले आज अपने दर्द का बयान नहीं कर पा रहे हैं, उनके दर्द को सुनने वाला भी कोई नहीं है। आज पूरे देश में मीडिया में काम करने वाले लोग संकट में हैं, मीडिया के घराने संकट में नहीं हैं, क्योंकि उनके पास दूसरे भी काम हैं। वो बिल्डर भी हैं, वो फैक्ट्री के ओनर भी हैं, वो और दुनिया भर के तमाम धंधे चलाते हैं। मीडिया में उनका इन्वेस्टमेंट पूरे कैपिटल का बहुत ही कम परसेंट होता है, तो इसलिए वो संकट में उतने नहीं हैं। लेकिन संकट में वो हैं जिनकी रोजी रोटी यहाँ से चलती रही है, जिन पत्रकारों और जिन संपादकों की वजह से उनका रसूख बना, वो अपने आप में मीडिया मुगल कहलाए, आज वो संकट में है। हमारी पीढ़ी के पत्रकार जिन्होंने 30 से 35 साल की पत्रकारिता कर ली, वो कैसे भी अपनी गृहस्थी को तो चला सकते हैं, क्योंकि एक लंबा पीरियड है उनको अपनी गृहस्थी जमाने का। उनके बच्चे अब नौकरी पेशा में हैं या कोई ना कोई ऐसा उद्योग उद्यम कर रहे हैं कि उनके घर का खाना खर्चा चल जाएगा। लेकिन मुझे चिंता है कि नई पीढ़ी के जो पत्रकार बड़े उत्साह के साथ पत्रकारिता को करी अपना करियर बनाए थे और बड़े अखबारों में काम कर रहे थे, उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। लगभग 40-50% पत्रकार नौकरी से बेदखल हो चुके हैं। ये संकट बहुत गहराया है। दुर्भाग्य की बात ये कि पत्रकार ही पत्रकारों को निकालने के माध्यम बन रहे हैं। कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया तो अपने गठन के साथ से ही उसको कहते हैं ना कि नखदंत विहीन है। पत्रकारों के संगठन सोए हुए हैं, मरे हुए हैं। इनकी आवाज़ को कौन उठाएगा, इनके घर की व्यथा को कौन देखेगा। जिनने अपने भविष्य को दांव पर लगा दिया, आज उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार भी नहीं सुन रही। सरकार वैसे भी चाटुकार मीडिया चाहती है और अब्बल तो मीडिया के नाम से ही चिढ़ होती है, इसलिए कभी भी पत्रकारों का कुशल क्षेम किसी भी सरकार के लिए प्राथमिकता में नहीं रहा। लेकिन ये पत्रकार भी एक बूट है, ये पत्रकार भी हिंदुस्तान के लोकतंत्र के एक छोटे से पुर्जे हैं, इनकी चिंता करनी होगी, इनके हितों के बारे में सोचना होगा, इनके रिहैबिटेशन के बारे में सोचना होगा। मुझे लगता है कि हमारे मध्य प्रदेश की सरकार इसकी एक पहल कर सकती है। यह पता लगाया जाना चाहिए कि पूरे मध्य प्रदेश के बड़े मीडिया हाउस से ऐसे कितने पत्रकार हैं जिनकी पत्रकारिता 5 से 6 बरस की है और उनको नौकरी से वंचित कर दिया गया है।
ऐसे लोगों की एक सूची बनाई जानी चाहिए और उन तक मदद पहुंचनी चाहिए। भविष्य का मीडिया कैसे होगा, किस तरीके से चलेगा, क्या स्वरूप होगा, यह हम अगले अंक में या कभी बाद में बताएंगे। लेकिन आज मेरी चिंता में सिर्फ और सिर्फ वो पत्रकार साथी हैं जो भी हाल में अपनी गृहस्थी बसाई है, बड़े उत्साह के साथ, बड़ी ऊर्जा के साथ, बड़ी मेधा के साथ अपने काम को कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से आज वो बैठे हैं। जो काम कर रहे हैं उनकी वेतन में अप्रत्याशित कटौती हो गई, जिनको 20,000 मिल रहे थे वो उनको 10,000 दिया जा रहा है। इस तरीके से उनकी चिंता करना आज समय की मांग है। मैं पत्रकारिता के पेशे से जुड़े मैं अपनी पीढ़ी के संपादकों से और अपने से ऊपर की पीढ़ी की संपादकों से आग्रह करना चाहता हूँ कि वो सोचें, विचारें और सरकार के ऊपर इस बात के लिए दबाव बनाएं नैतिक रूप से कि जो पत्रकारिता के पेशे में जीवन यापन कर रहे थे उनके बारे में भी कुछ सोचा जाए। श्रमिकों के बारे में हम सोच रहे हैं, हम वंचित वर्ग के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से एक पत्रकार ऐसा वर्ग है जो अपनी समस्या को खुले मुंह कह नहीं सकता, अखबार में लिख नहीं सकता, टेलीविज़न में बाइट नहीं दे सकता, अंदर ही अंदर घुटता है, अंदर ही अंदर धधकता है, अंदर ही अंदर पिसता है। उसकी व्यथा को समझना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बात हर माध्यमों से सरकार के कान तक पहुंचनी चाहिए और मीडिया संस्थान के जो संचालक और जो मालिक हैं उनको भी इस बात का आभास होना चाहिए कि कल तक यही लोग ऐसे थे जो उनकी रीढ़ की हड्डी थे, इन्हीं की बदौलत उनका साम्राज्य खड़ा हुआ, इन्हीं की बदौलत उनका रसूख बना, उनकी ताकत बनी। इसलिए आज विपत्ति काल में, इस महामारी के काल में सबको संबल देना चाहिए, रोजगार से वंचित नहीं करना चाहिए, उनके घर परिवार और उनके कुशल क्षेम की व्यवस्था करनी चाहिए। नमस्कार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।